बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो, इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो, वलौ बिशिक तमरा, एक खजूर का टुकड़ा ही देकर अल्लाह की राह में, अगर खजूर का टुकड़ा देकर के अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। और अगर इतने गरीब हो कि खजूर देने की भी ताकत नहीं है तो जुबान के तो गरीब नहीं हो। फइल्लम तजिद फबे कलिमतिन तय्यिबा, अच्छी बातें बोलो, अच्छा कलाम निकालो अपनी जुबान से, अच्छी बात और अच्छे कलाम के जरिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के रसूल के सबसे चहेते साहबी है, कहा करते थे वदित्तु अन्नी शजरतन तुअज़त, काश मैं कोई पेड़ होता, कोई दरख्त होता, जानवर खा गए होते, जहन्नम के अजाब का मामला ना होता, अजाब का कोई चक्कर ना होता, एक पेड़ का दरख्त होता, दरख्त होता, दरख्त का पत्ता होता, कोई जानवर खा के खत्म कर देता। ये उमर फारूक है, ये कहा करते हैं कि कयामत के दिन अगर जन्नती, जन्नत का फरिश्ता कहेगा कि तमाम के तमाम लोग जन्नत में चले जाओ सिवाय एक आदमी को, तो मुझे डर है कहीं वो एक आदमी मैं ना हो जाऊं। ये नबी के सहाबा हैं, ये ईमान के एतबार से, तकवा के एतबार से, नेकी के एतबार से टॉप क्वालिटी के लोग हैं, इन्हें डर है जहन्नम का और हमें कोई डर नहीं है, हमें आराम से बिस्तरों पे नींद आती है, हम कभी रात को उठकर अपने रब की बारगाह में तो आंसू नहीं बहाते कि अल्लाह, हमें तो कभी अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं होती, अपनी बीवी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चे को बुखार आ जाए तो हम बेचैन हो जाते, बीवी को खराश आ जाए हम तकलीफ में आ जाते हैं, बेटा जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है, बीवी जहन्नम के रास्ते पे जा रही है, जहन्नम में ले जाने वाला काम कर रही है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब जहन्नम ही जहन्नम में जाएंगे तो वो अल्लाह से एक चांस मांगेंगे कि अल्लाह एक चांस दे दे। क्यों मांगेंगे चांस? अभी आपने तकरीर सुनी, इंसान दुनिया में बहुत सारी ख्वाहिशें करता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत सारी ख्वाहिश करता है लेकिन इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, बहुत सारी ख्वाहिशात इंसान के साथ कब्र में चली जाती। लेकिन आदमी जब जहन्नम में जाएगा तो वहां जाने के बाद भी ख्वाहिश करेगा, क्या ख्वाहिश करेगा? सूरह आराफ में अल्लाह ने नक्शा खींचा है, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नामल सालिहन गैरल लजी कुन्ना नामल, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल दे। क्यों? बेटी की शादी कर दूं, एक नया मकान बनवा लूं, बिजनेस को थोड़ा और ऊंचा कर लूं, कुछ और पैसे कमा लूं? नहीं है अल्लाह, हमें तू जहन्नम से निकाल दे, हम वादा करते हैं नामल सालिहन, नेक अमल करें, गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल, अब वो अमल नहीं करेंगे जो दुनिया में करते थे। अल्लाह कहेगा नहीं, हमारे यहां फेल होने वाले को दोबारा उसी क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। अल्लाह के यहां जो फेल हो गया वो फेल हो गया, दुनिया में स्टूडेंट फेल होता है तो दोबारा उसको चांस मिलता है, चलो एक साल और मेहनत कर लो, अल्लाह के एक ही चांस मिला है, बस यही चांस है, जो पास है वो पास है, जो फेल है वो फेल है। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फीही मन तज़क्कर, मेरे बंदे क्या मैंने तुझे 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की जिंदगी नहीं दी थी? अब तुझे चांस मिलने वाला नहीं। तो ये जहन्नम है मेरे प्यारे भाई।